हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6, प्लांट्स फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स, है ना। लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग बातें करेंगे सूचर्स के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं सूचर्स, कैसे समझा जाए इन्हें, क्या है ये सर्जिकल कैटगट, क्या है लाइगेचर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती है, तो आप समझने की कोशिश करते हैं। और इस चैप्टर के एंड में इस पूरे चैप्टर के पांचों लेक्चर के नोट्स एक साथ कंबाइन करके मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, एक साथ मिल जाएंगे। अब चाहो तो उसका तुम लोग प्रिंटआउट निकाल सकते हो, ये एक साथ है तुम्हारे पास। क्लियर है, चलते हैं। तो बात करें जो टर्म आ गई हमारे पास सूचर्स, सूचर्स के अंदर दो बातें आती हैं, एक आता है सर्जिकल कैटगट और एक आता है लाइगेचर। क्या है और कैसे समझना है इसको, दोनों ही टर्म अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, बट टेक्निकली समझ जाओ क्या चीज है। सूचर्स में कुछ नहीं है, एक बात तो तय है, इस तरह थ्रेड टाइप की चीज पक्का मिलेगी, एक धागा मिलेगा। बेसिक काम क्या होता है इनका, हाथ पैरों में जहां कट लग जाते हैं उनको सिलना या बांधना। ठीक है, यानी कि ये वो धागे हैं जिनसे हमारे बॉडी में सर्जरी के दौरान काम लिया जाएगा, कोई चीज बांधने में या सिलने में अगर कोई चीज फटी हुई है। अब बात समझ जा रहा। ठीक है, डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। यहां पर लाइगेचर क्या चीज है, लाइगेचर क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड वर्ड की हिंदी लिख लो, कोई भी ऐसी चीज जिसको कीटाणु रहित कर दिया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइज कहते हैं। थ्रेड है, धागा है, विच इज यूज टू टाई द ब्लड वेसल, जो हमारी नस जिनमें खून बहता है उसको बांधने के काम में आता है। देखो, बांध दिया। ठीक है, जब हम धागे को लेके बैठते हैं, हम लोग नसों को बांध दिया, पाइप को बंद कर दिया जिसके अंदर से खून फ्लो कर रहा था, तो जब हम इस तरह से बांधने में काम में लेते हैं इस धागे को, तो वो क्या कहलाता है, लाइगेचर कहलाता है। और जब इस तरह से कोई चीज फटी होती है ना, मांस कट जाता है, फट जाता है, फिर उसको इस तरीके से टांके लगाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो सूचर और लाइगेचर है, धागा वही। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, दोनों टॉपिक का कंटेंट एक ही रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं करना कि इसमें कुछ और लिखना है उसमें कुछ और लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचर में एक इस तरह सुई और निकली रहती है आगे, ताकि मांस में घुस करके सिलने में काम में आए। ठीक है, और उसमें क्या है, केवल धागा है, लेकर के बांध देंगे इस तरीके से, खेल खत्म। बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलें आगे। तो चलते हैं आगे, क्लियर है सूचर्स और लाइगेचर, उम्मीद है ये टर्म क्लियर होगी होगी। क्या बोल रहा है, लाइगेचर मटेरियल यूज टू टाई, टाई मतलब बांधना समथिंग, किसी चीज को इन सर्जरी, सर्जरी में जब किसी चीज को बांधा जाता है, सिला नहीं जाता, बांधा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेचर बोलते हैं। लाइगेचर आर यूज टू टाई ऑफ, किसको बांधने के लिए, ब्लड वेसल, हमारी नसों को बांधने के लिए, जो खून की नसें हैं, एंड दे मे बी मेड ऑफ सिल्क, गट, वायर और अदर मटेरियल, उन्हीं सब चीजों का बना होता है जिसका सूचर बने होते हैं, सिल्क का, गट का, वायर का। अब गट क्या चीज है, गट अभी बताऊंगा मैं, गट क्या होता है। ठीक है, हमारा जो खाने वाला वो होती नली होती है मुंह से लेकर के एनस तक, उसको गट कहा जाता है। आते समझ लें, यहां पर हम लोग क्या होती है, आते। अब आंतों से कैसे बनता है समझेंगे उसे, अभी तार हो सकता है या अदर मटेरियल हो सकता है। सर्जिकल सूचर आल्सो नोन एज स्टिच, स्टिच मतलब टांका होता है, टांका मार दिया, और स्टिचेस इज अ मेडिकल डिवाइस, एक डिवाइस है, एक यंत्र है। ठीक है, अब धागा था केवल, लाइगेचर में क्या धागा था, पकड़ के बांध दिया, इसको डिवाइस बोला गया क्योंकि इसमें हुक भी होता है, फंसा करके हाथ से काम नहीं लेते हैं, दो एक और इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे फंसा कर खींच के धागा फंसाते हैं, तो डिवाइस बोला गया। यूज टू होल्ड, होल्ड रखे बॉडी टिश्यू को, बॉडी टिश्यू को पकड़ के रखे टुगेदर, एंड अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब पास ले आना, एक अप्रोक्सीमेट होता है अंदाजा लगाना, इस अप्रोक्सीमेट का मतलब है पास लेके आना, समीप लाना। वाउंड एजेस, वाउंड मतलब जो कटा हुआ है, जख्म हो गया है, उसके जो एज है, उसके ये एज किनारा, इन किनारों को पास लेके आना, आफ्टर एन इंजुरी, इंजुरी के बाद और सर्जरी के बाद। एप्लीकेशन जनरली इन्वॉल्व यूजिंग निडल विद द अटैच्ड लेंथ ऑफ थ्रेड, एक निडल और उसके साथ एक जो थ्रेड इस्तेमाल होती है वो इसमें क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो उम्मीद है लाइगेचर और सर्जिकल सूचर में एक क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, क्लियर है, गुड।
आगे आते हैं. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ, न्यूमरस मतलब कई सारे, न्यूमरस टाइप्स ऑफ सूचर, कई सारे टाइप के सूचर होते हैं विच डिफर बाय निडल शेप. वो अलग अलग है, उसमें क्यों अलग अलग है, किसी में निडल का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, एज वेल एज थ्रेड मटेरियल, थ्रेड का मटेरियल अलग अलग होता है, कोई किसी मेटल का बना, कोई किसी मेटल का बनाए, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. बात करते हैं आगे, सिलेक्शन ऑफ सर्जिकल सूचर शुड बी. अच्छा, आप सूचर बोल रहे हैं ना, सूचर के अंदर दोनों चीजें आ गई है ना, सर्जिकल कैटगट और क्या आ गया, लाइगेचर, ये दोनों सूचर के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, अब जो चीज बांधने में काम आ जाए. शुड बी डिटरमाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ द वाउंड. सर्जिकल सूचर का हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि आखिरकार हमें किस लोकेशन पे बांधना है, ठीक है ना, और बॉडी का किस स्पेसिफिक टिश्यू को पास लेके आना है ना. मान लो पेट का कट, पेट में चर्बी थोड़ी मोटी होती है, आंख में है, मुंह के अंदर है, किस लोकेशन में बांधना है, उन सब चीजों के हिसाब से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कौन सा सूचर इस्तेमाल किया जाएगा. इन सिलेक्टिंग द नीडल थ्रेड एंड सूचरिंग टेक्निक, हम कौन सी नीडल इस्तेमाल करें, थ्रेड या सूचरिंग टेक्निक, कैसे टांके लगाए, टांके लगाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. टू यूज फॉर स्पेसिफिक पेशेंट, अ मेडिकल केयर प्रोवाइडर मस्ट कंसिडर द टेंसाइल स्ट्रेंथ. अब उसे क्या क्या चाहिए होता है, अब मान लो पेट पे टांका लगना है, और पेट पे क्या होगा, कट लगा हुआ है, सवेरे कोई बंदा उठेगा पॉटी करने के लिए भी जाएगा तो स्ट्रेस पड़ता है, बैठेगा इस तरीके से, क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा. ऐसे में धागा ऐसा होना चाहिए कि टूटे नहीं, धागा ऐसा होना चाहिए कि टूटे नहीं. अब यहां हाथ में मार दिया तो यहां कुछ ज्यादा स्ट्रेस है ही नहीं, रखा हुआ ऐसा तो धागा कमजोर भी होगा, चल जाएगा एक बार को, ठीक है ना. तो कह रहा है कि जो मेडिकल केयर प्रोवाइडर होता है क्या क्या कंसिडर करेगा, क्या क्या कंसिडर कर सकता है, क्या क्या उसे देखना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मजबूत है, ऑफ द स्पेसिफिक सूचर थ्रेड नीडेड टू एफिशिएंटली होल्ड द टिश्यूज, वो इतना मजबूत हो कि उन टिश्यूज को होल्ड करके रखे टुगेदर, डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिकल एंड शियर फोर्सेस. को उस हिस्से में बॉडी के, जैसे यहाँ पर सर पे टांका लग जाए तो यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला, थाइस पे टांका लग जाए तो टांगे चलती हैं, है ना, तो वहां पर स्ट्रेस पड़ सकता है. तो इस तरीके से जहां पर स्ट्रेस पड़ना है उस हिसाब से उसको क्या करना है, डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, मैकेनिकल यानी जहां ताकत लगेगी, या शियर या जहां पे स्ट्रेस आ सकता है, मान लो हाथ है, कलाइयां हैं, मुड़ रही हैं, ठीक है. एक्टिंग ऑन द वाउंड, वाउंड मतलब जख्म, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द टिश्यूज बीइंग अप्रोक्सीमेटेड, या हमको देखना पड़ेगा जो टिश्यू है जिसको हम बांध रहे हैं वो कितना मोटा है. जैसे मैंने बताया पेट की चर्बी बहुत मोटी है, हाथ की खाल बहुत पतली है, तो डिपेंड करेगा, ये सब चीजें डिपेंड करती है डिसाइड करने में कि हमें किस टाइप का सूचर को या लाइगेचर को इस्तेमाल करना है. क्लियर है बातें, आगे आते हैं. टाइप्स ऑफ सूचर की बात करें अगर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, कई तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल. तुमने सुना होगा कुछ टांके शरीर में लगते हैं और वो अपने आप ही गल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्बेबल. कुछ टांके होते हैं जो डॉक्टर 7-8 दिन बाद काटता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल. क्लियर है. तो कह रहा है एब्जॉर्बेबल सूचर्स डोंट रिक्वायर योर डॉक्टर टू रिमूव देम. अगर एब्जॉर्बेबल सूचर है तो उसको जरूरत नहीं है डॉक्टर को निकालने की. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, एंजाइम्स फाउंड इन टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हमारे टिश्यू के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरली खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं उस सूचर को. क्लियर है. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर विल नीड टू बी रिमूव, इसको जरूरत है रिमूव करने के लिए बाय डॉक्टर के द्वारा. अ लेटर रेट और सम केसेस लेफ्ट इन परमानेंटली, कई बार उसको छोड़ देते हैं परमानेंटली, गलते नहीं है और लगे रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है. और कुछ ज्यादातर केसेस में क्या होता है, 8-10 दिन के बाद टांके काट के निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना, नॉन एब्जॉर्बेबल में. क्लियर है बातें ये, चले आगे. सेकेंड, एक तरीका हो गया क्लासीफाई करने का कि एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है. दूसरा तरीका, सूचर मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, एक होता है मोनोफिलामेंट, एक सिंगल धागा होता है, ठीक है. एक होता है ब्रेडेड स्ट्रक्चर, 3-4 धागे, जैसे नहीं चोटी एक के अंदर गुथ करके 3-4 धागे आपस में गुथे हुए हों और फिर एक धागा बने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडेड स्ट्रक्चर, गुथा हुआ, जो आपस में गुथा हुआ रहता है. तो मोनोफिलामेंट एक सिंगल, एक ही धागा है सिंगल, इसके अंदर 3-4 धागे इस तरह से मिलकर, रस्सी में 3-4 धागे मिलकर बनते हैं, वो होता है ब्रेडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो कह रहा है मोनोफिलामेंट सूचर कंसिस्ट ऑफ सिंगल थ्रेड, एक ही थ्रेड होती है. दिस अलाउ द सूचर्स टू मोर इजिली पास थ्रू द टिश्यू. सिंगल होता है तो टिश्यू के अंदर से बहुत इजिली ये
पास होता है। अब देखो जो ब्रेडेड होगा उसमें गांठे ऐसे ना उबड़ खावड़ से रहता है, तो टिश्यू के अंदर से निकलने में दिक्कत भी होती है। ब्रेडेड सूचर कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल थ्रेड, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे धागे होते हैं ब्रेडेड टूगेदर जो आपस में गुथे हुए रहेंगे। दिस कैन लीड टू बी बेटर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, सिक्योरिटी बेटर है, टूटेगा नहीं जल्दी, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। थर्ड क्या है, सूचर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर बींग मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल, कि नेचुरली बनाया जा रहा है या किसी सिंथेटिक मटेरियल से इसको बनाया गया, उसके हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर। अब एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें कौन कौन से, एक गट मैंने बताया मैंने, गट क्या होता है हमारे, एक तरह से गट का मतलब समझ लो कि हमारी जो आते हैं, आंतों से जो धागे तैयार किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, गट कहेंगे। जो कैट गट है वो वही चीज है, समझेंगे अभी उसे। दिस नेचुरल कैसा है, मोनोफिलामेंटस सूचर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू, इसका इस्तेमाल किसे किया जाता है, बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके लिए, वाउंड और लैसरेशन, ठीक है ना। गट शुडंट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल, इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। द बॉडी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन टू दिस सूचर, ये सूचर की प्रॉब्लम भी है, हमारी बॉडी अगर रिएक्ट कर गई तो जबरदस्त तरीके से इसको रिएक्ट करती है, जख्म बन सकता है वहां पे फिर, एंड विल ऑफन स्कार ओवर, जहां टाका लगता है वहां पे क्या है, एक देखो टाका लगने के बाद कई बार एक स्कार रह जाता है, स्कार मतलब दाग रह जाता है, स्कार मतलब दाग, तो कई बार टाकों के बाद जो दाग रह जाता है उसकी वजह यही है कि वहां पे कौन सा वाला सूचर लगा है, गट वाला लगा हुआ है। इट्स नॉट कॉमनली यूज्ड आउटसाइड गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, इसको जनरली गायनेकोलॉजिकल यानी कि प्रेगनेंसी वाले जो कट होते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं, उसके बाहर इसको हम लोग इस्तेमाल जनरली नहीं करेंगे। देन आता है पॉलीडाइऑक्सीनन पीडीएस, दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, कैसा है ये, सिंथेटिक हो गया, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल किया सकता है फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इसको भी सॉफ्ट टिश्यू को बांधने के लिए किया जाता है, वाउंड रिपेयर यानी कि चोट को बांधने के लिए, सच एज एब्डोमिनल क्लोजर, एब्डोमिनल मतलब हमारे पेट पे कट लग जाए उसको बंद करने के लिए, एज वेल एज फॉर पेडियाट्रिक कार्डियक प्रोसीजर, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों का जो हार्ट की प्रोसीजर होती है वहां पे भी इसको जोड़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे आते हैं पॉलीगल कार्पोन या मोनोक्राई, दिस सिंथेटिक, ये भी क्या है, मोनोफिलामेंट है, सूचर इज यूज्ड फॉर जनरल यूज इन सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, यानी कि जनरल यूज, कटट लग गया उठा करके इसका इस्तेमाल करके हम लोग बांध देते हैं। दिस मटेरियल शुडंट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, नसें जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, नर्व्स होती है और हार्ट होती है, वहां पर टांके के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस सूचर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू क्लोज स्किन इन एन इनविजिबल मैनर, ठीक है ना, इसका हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं, स्किन के ऊपर करेंगे, इनविजिबल दिखाई ना पड़े, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्लैक्टिन, जैसे हम कहते हैं वाइक्राइल कह लें इसे, ठीक है। दिस सिंथेटिक ब्रेडेड, ये ब्रेडेड सूचर आ गया, तीन वाले मोनोफिलामेंट थे, ये ब्रेडेड है, इज गुड फॉर रिपेयरिंग हैंड और फेसियल लेसरेशन, जो फेस पे कट लगते हैं या हाथ पे कट लगते हैं उनके लिए अच्छा है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, इसको भी हम लोग कार्डियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक बात समझ में आ गई, जितने भी हमारे पास क्या थे, एब्जॉर्बेबल थे, उसको हम लोग यहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, दिस टाइप ऑफ सूचर कैन ऑल बी यूज जनरली फॉर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर इंक्लूडिंग बोथ कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, ये जो होते हैं कार्डियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन है, नायलॉन सबको पता है, नायलॉन की जो रस्सी होती है, ये तो रस्सी होती है जो सूचर के तरह इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ही फाइन तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। मोनोफिलामेंट है, पॉलीप्रोपाइलीन या प्रोलीन सिंथेटिक मोनोफिलामेंट है ये भी, ठीक है ना। सिल्क, ये ब्रेडेड है, और पॉलिस्टर, ये कैसा है, ब्रेडेड है, दो ब्रेडेड है और दो मोनोफिलामेंट है, क्लियर है। किसी किसी बुक्स में थोड़े ज्यादा भी दे रखे हैं, अगर तुमको लगता है कि उसमें ऐड कर सकते हो तो ऐड कर लो, चॉइस है तुम्हारे पास, क्लियर है। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी स्टेराइल, कीटाणु रहित होना चाहिए, मस्ट हैव सफिशियंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफी मजबूत होना चाहिए कि टूट ना जाए, मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग, यानी कि लग गया तो फिर बाद में खुजली हो रही है ये सब नहीं होना चाहिए। गॉज शुड बी एज फाइन एज पॉसिबल, गॉज मतलब जो उसका डायमीटर होता है, गॉज में हम यहाँ बात करेंगे डायमीटर की, इतना पतला होना चाहिए
कि वो आराम से मजबूत भी हो और बहुत ज्यादा पतला भी हो. एब्जॉर्प्शन टाइम फॉर द एब्जॉर्बेबल सूचर एंड लाइगेजर शुड बी नोन. कितने दिनों में, अगर एब्जॉर्बेबल की बात करें तो कितने दिनों में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी में खत्म हो जाएगा, ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है. क्लियर है? फिर कई बार एक टर्म आया था सूचर और स्टिचेस. यहाँ पे बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं सूचर वर्सेस स्टिचेस. तो क्या है, ऑल्दो स्टिचेस एंड सूचर आर वाइडली रेफर टू एज वन एंड द सेम. कई बार दोनों में स्टिच लगा दो, सूचर लगा दो, ऐसे ऐसे बोल देते हैं हम लोग. तो अब समझ में आ रहा होगा कि स्टिच क्या है, सूचर क्या है. तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सूचर्स आर वाइडली रेफर टू एज वन एंड द सेम. इन मेडिकल टर्म्स दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर जनरल भाषा में तो हम एक कर देते हैं, लेकिन मेडिकली दोनों अलग अलग हैं. सूचर्स आर थ्रेड्स और स्ट्रैंड. सूचर क्या होते हैं, धागे होते हैं या स्ट्रैंड होते हैं जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, यूज टू क्लोज द वाउंड, जैसे जख्म को बंद किया जाए. स्टिचेस और स्टिचिंग, ये हो गया सिलना. रेफर टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द वाउंड, जो प्रोसेस हो रही सिलने वाली, उसको कहा जाता है स्टिचेस. क्लियर है? कंफ्यूज नहीं करोगे इसको लेकर के? आगे आते हैं. देन हमारे पास आता है सर्जिकल कैटगट. ठीक है, तो मैंने बताया लाइगेचर वगैरह सब इसके अंदर जो ऊपर कॉमन टर्म थे वो लाइगेचर में भी काउंट करेंगे. ठीक है, कैटगट गट के भी क्या होते हैं, लाइगेचर बने हुए होते हैं. लाइगेचर के एक्चुअली धागा है, तो इसीलिए जो पॉइंट इसमें आएंगे वही पॉइंट उसमें भी आ जाएंगे. थोड़े बहुत अंतर आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. अब ऑब्वियसली बात है, जब नसों को बांधा जाएगा तो नस ज्यादातर कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है. तो ज्यादातर वो कैसी होती हैं, एब्जॉर्बेबल होती हैं. वो कैसी होती हैं, एब्जॉर्बेबल. ये छोटी मोटी बातें हैं, तो कॉमन सेंस लगा कर सकते हो. ऊपर का जो डिफरेंस था वो दोनों में काम करेगा. इवन जो ये है सर्जिकल कैटगट, यानी कि धागा बनाने का तरीका, और यही धागा एज अ लाइगेचर भी इस्तेमाल हो जाएगा. तो परेशान नहीं होना कि दोनों चीजें अलग अलग है. ठीक है ना, दोनों टॉपिक के अंदर कॉमन चीज चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे आते हैं. कैटगट सूचर इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर दैट इज नेचुरली डिग्रेडेड बाय द बॉडीज ओन प्रोटीनिटिक एंजाइम. क्या रहा है, कैटगट सूचर एक टाइप ऑफ सूचर है, सर्जिकल सूचर है, डेट जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर डिग्रेड हो जाता है, गल जाता है, बाय द बॉडीज ओन, बॉडी की खुद की जो प्रोटीनिटी, प्रोटीन को गलाने वाली एंजाइम है, वो खुद ही इसको क्या करती है, गला देती है, और 7-8-10-15 दिन के बाद ये गल के खत्म हो जाती है. ओके, एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटली बाय 90 डेज. गलना तो शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब 90 दिनों में, यानी कि 3 महीने में हो पाता है. एंड फुल टेंसाइल स्ट्रेंथ रिमेन फॉर एटलीस्ट 7 डेज. उसकी जो पूरी एक्चुअल जो मजबूती होती है वो 7 दिन तक रहती है. 7 दिन के बाद ये एंजाइम गलाना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं धागे. दिस इवेंचुअली अंततः डिसइंटीग्रेट, टूट जाते हैं. मेक्स इट गुड फॉर यूज इन रैपिडली हीलिंग टिश्यूज एंड इन इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इसीलिए ये इनका इस्तेमाल वहां ज्यादा अच्छा हो जाता है जहां पर टिश्यू बहुत जल्दी से रिपेयर हो रहा है, या इंटरनल स्ट्रक्चर. भाई पेट फाड़ा, अंदर लगा दे टांका, छोड़ना टांका काटने के लिए पेट फाड़ के फिर से खोलेंगे और टांका खोल दें, दिक्कत हो जाएगी ना. ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर डेट कैन नॉट बी री एक्सेड, है ना. पेट काट के अंदर आता हूं तो मैं टांके आके लगाए हैं, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो टांके वो काट दें दोबारा से तो वापस पेट खोलोगे क्या, नहीं. ठीक है, तो उसको हम री एक्सेस द्वारा से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वहां पे नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो पूरा पूरा ऑपरेशन हो जाएगा फिर वो. फॉर सूचर रिमूवल, तो ऐसी जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, कैटगट सूचर हैज हाई नॉट पुल, हाई नॉट पुल टेंसाइल स्ट्रेंथ, गांठ से काफी मजबूत होता है, एंड गुड नॉट सिक्योरिटी, गांठ जल्दी खुलेगी भी नहीं, ड्यू टू स्पेशल एक्सेलेंट हैंडलिंग फीचर. ठीक है, जो इसका खास फीचर है, तो इसकी जो गांठ की स्ट्रेंथ होती है काफी मजबूत होती है, कि खींचो टूटेगा नहीं जल्दी, और गुड नॉट सिक्योरिटी, वो नॉट जो लगती है, गांठ लगती है, वो जल्दी फिसल के खुलेगी नहीं. इट इज यूज्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग जनरल क्लोजर, जनरल कोई छोटा मोटा खुला हुआ है, कट लग गया, ऑप्थेल्मिक, ऑर्थोपेडिक, आंख में टांके लगते हैं, ऑर्थोपेडिक हड्डी वाले हैं, बेस्टेसिस दाई या गायनेकोलॉजी, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी या कोई पेट की सर्जरी है वहां उसके अंदर ये इस्तेमाल में आते हैं. इट इज एब्जॉर्ब फास्टर इन पेशेंट विद, कुछ पेशेंट का खास केसेस कैंसर है, एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, उनके अंदर, या ये माउथ में लगाए जाए या वेजेना में लगाए जाए, ये कुछ जगह ऐसी हैं, ये कुछ पेशेंट ऐसे हैं, और ये कुछ जगह ऐसी हैं बॉडी के अंदर जहां पर इनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है. ठीक है, क्यों? अच्छा, यहाँ की तो कहानी अलग होगी क्योंकि पेशेंट वाली कंडीशन आ गई, बॉडी की थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, न्यूट्रिएंट्स कंडीशन अलग चल रही होती है. माउथ में और वेजेना में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनकी वजह से टांके वहां पे जल्दी गल जाते हैं. कैटगट हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल पॉलीमर. कैटगट को भाई, क्योंकि कैटगट बनाया किससे जाता है, अभी हम देखेंगे. कैटगट जो है शिप, भेड़ और बकरियों की आंतों से बनाया जाता है.
तो उसके रिएक्शन करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको ज्यादातर अब क्या सिंथेटिक आर्टिफिशियल पॉलीमर से बदल दिया गया है, सच एज वाइक्राइल और पॉलीडाइऑक्सिनन उससे बदल दिया गया है, ठीक है ना। इट इज नॉट यूज एट ऑल फॉर ह्यूमन सर्जरी इन सम कंट्री, कुछ कंट्रीज में तो बैन कर दिया है, ठीक है। इन यूरोप एंड जापान गट सूचर्स हैव बीन बैन, यूरोप और जापान में बिल्कुल बैन कर दिए गए ड्यू टू कंसर्न्स दैट दे कुड ट्रांसमिट द बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलाइटिस, जो मैड काउ डिजीज होती है। हम कितना भी भेड़ या बकरी को एग्जामिन कर ले कि हाँ इनको कोई बीमारी नहीं है, यानी खासकर ये वाली मैड काउ डिजीज, लेकिन कई बार क्या होती है बीमारी नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों को जब इसके टांके लगा दिए जाते हैं इनकी आंतों से बनाए हुए कैटगट के, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं फिर उन इंसानों के अंदर। ऑल्दो द हर्ड, हर्ड मतलब जो भेड़ बकरियां हैं, फ्रॉम विच गट इज हार्वेस्टेड, जहां से उसको निकाला गया है, आर सर्टिफाइड बीएससी फ्री, सर्टिफाइड है कि उनको बीएससी बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलाइटिस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी आंतों से जो ये टांके बने हैं वो जिन लोगों को लगते हैं उनके अंदर ये बीएससी क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं। सिनोनिम किटगट, सर्जिकल गट, कॉलेजन फाइबर, ठीक है ना, कॉलेजन जो प्रोटीन होता है, ओके। कैटगट इज स्टेरलाइज्ड फाइबर, अब सोर्स की बात करें ये एक स्टेरलाइज्ड फाइबर है, स्टेरलाइज मतलब मैंने बताया था फाइबर क्या, फाइबर मतलब धागा, एंड स्ट्रैंडेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉलेगन, कौन सी प्रोटीन है, कॉलेगन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम हेल्दी एनिमल लाइक शीप्स एंड कैटल, भेड़ बकरियों से बनाए जा रहे हैं। प्रिपरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। आंत ऐसी गोल गोल होती है ना, तो देखो ऐसी होती है गोल गोल आंत, आंत में जो सबसे ऊपर की परत होती है, आंत में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, सिरोसा। उसके अंदर जो लेयर होती है वो कैसी होती है, मस्कुलरिस, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, सब म्यूकोसा और अंदर म्यूकोसा, यानी कि हम मोटा मोटा समझे 1, 2, 3 और 4, ये तो अंदर हो गया खोखला जहां इसके अंदर खाना पास होगा, और इसके ऊपर ये चार लेयर परतें पाई जाती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये टर्म अभी यहां अंदर इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, किसी की आंत ऐसे निकालो काटो, ठीक है, तो जब उसको लेयर बाय लेयर अलग करेंगे तो उसके चार पार्ट होते हैं। इवन इनके ही नहीं, हमारी बॉडी में भी अगर आंत काटोगे तो मोटे मोटे पूरे आंत के दौरान कहीं से भी काटो ये चार लेयर दिख जाएंगी। हाँ, कहीं कोई मोटी कहीं कोई पतली हो सकती है, बट ये चार पार्ट हर एक आंत में मिलेंगी। जब सो तुम ऐसे लंबा लंबा काट दोगे तो चार लेयर तुमको मिलने वाली है। क्लियर है, चले आगे। चलो ये डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि ये चार पार्ट समझ पाओ, ये टर्म बार बार इस्तेमाल होंगे। अब क्या कह रहा है, द सब म्यूकोसल लेयर, अब देखो मैंने कहा सब म्यूकोसल लेयर, तो वीडियो पॉज कर लो भैया, देख लो सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कहां आ गया, सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके ऊपर यह लेयर क्या है, सब म्यूकोसा, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर की जो लेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सब म्यूकोसा हो जाएगी, जिससे कि दिमाग में रहेगा ये सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फ्रेशली किल्ड एनिमल, जो जिसको तुरंत मारा गया है, इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैटगट। अब देखो इसमें एक और दिक्कत है कि जानवरों को मारा जा रहा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन इज क्लीन, आंत पता है ना कितनी होती है, 36 फीट की होती है, हमारे हम लोग खुद 36 फीट की होती है, ये लगभग 7.5 मीटर की होती है, इसको साफ किया जाता है। स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इंटू रिबन, जैसे मान लो ये आंत थी ना, इसको ऐसे कट लगा दिया जाएगा तो अब ये ऐसे खुल जाएगी, ये कट लगा खुल गई, ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे इसको, ऐसा ऐसा रिबन शेप में, रिबन होते हैं ऐसे ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। क्लियर है, ओके। द इनर मोस्ट म्यूकोसा, जो सबसे अंदर की म्यूकोसा है, ये सबसे अंदर की म्यूकोसा, एंड टू आउटर लेयर ऑफ सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसल लेयर, और ऊपर की बात कर रहा है सिरोसा मस्कुलरिस, इनकी बात कर रहा है, आर रिमूव्ड विद हेल्प ऑफ मशीन। किस किस को रिमूव किया गया, इनर मोस्ट म्यूकोसा एंड टू आउटर लेयर, यानी कि सब म्यूकोसा का छोड़ दिया गया, सिरोसा मस्कुलरिस और म्यूकोसा हटा दिया गया। तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन आया कि कैटगट बना किस पार्ट का होता है, तो सब म्यूकोसा का बना होता है, किसका बना हुआ है, सब म्यूकोसा का, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ सब म्यूकोसा दैट इज मस्कुलरिस एंड सिरोसल लेयर आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन लीविंग बिहाइंड द सब म्यूकोसा। अब केवल वहां पर क्या रह गया है, सब म्यूकोसा वाला पार्ट रह गया, बाकी सब हट गया। अप टू 6 सच रिबन आर स्ट्रेच्ड स्पन, स्पन मतलब गूंथना ना, गोल 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 जो गूंथ लेते हैं हम लोग, एंड ड्राइड उसको सुखा लिया जाता है टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म स्ट्रैंड, ठीक है। स्पंज होता है ना, चरखे में जैसे चरखा बना लेते हैं, तो इसके ऊपर चरखे धागा ऐसे ऐसे करके निकल आता है,
है ना, तो वो स्पन कर रहे हैं हम लोग। तो स्पन किया कम से कम 6 ऐसी रिबन्स को, जो रिबन कट लगे 1 2 3 4 6 निकाली, स्पन किया, लपेट लिया लंबा लंबा, सुखा लिया और उसको यूनिफॉर्म स्टैंड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बात यहां तक? बात समझ में आ रही है? हाथों का सारा खेल चल रहा है ये। आगे आते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, दीज फाइबर्स आर पॉलिश्ड। अब क्या हो गया, जो वहां से निकला है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पॉलिश टू गेट स्मूथ स्ट्रिंग, एक पतले पतले सॉफ्ट स्ट्रिंग निकल आएंगे, फिर उसे हम गॉज करेंगे फॉर देयर डायमीटर, देखेंगे कि मोटे तो नहीं है कहीं ये, क्योंकि मोटे होंगे तो खाल से घुसने में दिक्कत करेंगे। कट इंटू सुटेबल लेंथ एंड स्टरलाइज बाय, फिर सुटेबल लेंथ कितनी लंबी लंबी लेंथ में हमें रखना है उसमें कट कर लेंगे, फिर उसे स्टरलाइज करेंगे यानी कि कीटाणुरहित बनाएंगे बाय प्लेसिंग द कैटगट इन ग्लास ट्यूब्स, एक ग्लास ट्यूब में डाल देते हैं जो भरी होती है एनहाइड्रस हाई बॉइलिंग लिक्विड लाइक टॉलिन और ज़ाइलिन, हाई बॉइलिंग लिक्विड, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ताकि जब हम इसको हीट करेंगे तो उबलने में इनको टाइम लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, तो उसी टेम्परेचर से ये क्या हो जाएंगे, फाइनली इसके अंदर जो कुछ और कीटाणु बैक्टीरिया वायरस होंगे वो सब किल हो जाएंगे। एंड देन हीटिंग इन ऑटोक्लेव, अब देखो एक बार यहां पे हीट किया, फिर उसके बाद ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मैंने क्या बताया था, एक बर्तन होता है उसके अंदर रख देते हैं, उसके अंदर स्टीम निकलती है, भाप, भाप बहुत गर्म होती है, कुछ घंटों के लिए उसे स्टीम से नहलाया जाता है जिससे कि वो क्या हो, बिल्कुल अगर कोई गुंजाइश है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस की तो वो खत्म हो जाए। स्टरलाइजेशन में भी डन बाय इरेडिएटिंग, जो स्टरलाइजेशन हो रहा है वो किया जा सकता है इरेडिएटिंग द सूचर बाय इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, हम सूचर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन रे गिराएं या गामा रेज गिराएं फ्रॉम कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 अपने जैसे क्या निकालता है, गामा रेज निकालता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। तो हम रेडिएशन उसके ऊपर गिरा करके भी सूचर्स के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। आगे आते हैं कंगारू टेंडन पता ना, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन्स, वो पार्ट होते हैं, उस प्रोटीन को कहा जाता है जो मसल्स और बोन, जैसे कि मेरी ये खाल है, तो सबकी खाल है ये जुड़ी हुई है ना, इससे किससे, हड्डी से, और जुड़ी नहीं होती तो खिसक जाती पूरी ये, तो टेंडन क्या है, खाल को और हड्डी को जोड़ के रखता है। तो कह रहा है कंगारू टेंडन्स यूज्ड इन हर्निया एंड बोन रिपेयर्स, ठीक है, इनका इस्तेमाल जो कंगारू टेंडन्स होते हैं इनका हर्निया और बोन रिपेयर्स में इस्तेमाल होता है। आर प्रिपेयर फ्रॉम द टेल्स ऑफ कंगारू, कंगारू की पूंछ काफी मोटी और भारी होती है, उससे बनाया जाता है बाय आइडेंटिकल मेथड अडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैटगट, जो ऊपर मेथड अपनाया उसी तरीके से हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, कंगारू टेंडन को निकाल करके बनाते हैं और हर्निया और बोन के रिपेयर में उसका इस्तेमाल करते हैं। क्रोमिसाइज सर्जिकल कैटगट, ये क्या चीज है, हम लोग करते क्या है, जो हमारे रिबन्स थे ना स्टार्टिंग में काटे थे, ये जो रिबन्स काटे थे हमने, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसमें डुबा दे रहे हैं, सोकिंग मतलब डुबा देना या सोखना या कोई पानी सोखेंगे, रिबन्स इन सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम साल्ट, हम उसको क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं, किसमें, क्रोमियम साल्ट के, फॉर टैनिंग, ठीक है, द टिश्यू क्या हो जाएंगे, टैंड हो जाएंगे, हार्ड हो जाते हैं, थोड़े से कठोर हो जाते हैं। दीज फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीलिटिक एंजाइम इन द बॉडी एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब रैपिडली इन द बॉडी, अब ये क्या हो गया, जब हमने उसे टैंड कर दिया, थोड़ा हार्ड कर दिया, टफ कर दिया, तो अब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरीके से हमने जैसी जरूरत है वैसा काम कर लेते हैं। क्लियर है? यूज की बात करें तो पता है बॉडी टिश्यू टूगेदर बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 5, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर के नोट्स तुम लोगों को मिलने वाले हैं, और ये लेक्चर हमारा अब खत्म हो जाता है। क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट।